हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम आलू पालक से कचौड़ी बनाने चल रहे हैं एकदम नए तरीके से। तो ये हमने पालक देखिए धुल के रख लिया है, इसमें हल्का सा सोया मेथी भी है, इसको हमने अच्छी तरीके से धुल के रख लिया है। अब हम इसको बॉयल करेंगे। ये भगोने में पानी डाल के हम इसमें ये हरी सब्जियां डाल के रख रहे हैं बॉयल होने के लिए। इसको लगभग हमको 5-7 मिनट बॉयल करना है। ये देखिए बॉयल हो रहा है। अब हम गैस बंद कर देते हैं, रख देते हैं ठंडा होने के लिए। इसको मिक्सी जार में हम पीस लेते हैं। देखिए हम पानी नहीं डालेंगे, ऐसे ही पीस लेते हैं। इस तरह से देखिए हम पीस लिए हैं सब्जियां हरी। अब इधर हम आटा ले लिए हैं, इसमें ऑयल डाल रहे हैं, स्वाद अनुसार नमक। जो सब्जियां हमने पीस के रखी है उसको आटे में हम डाल के पहले मिलाएंगे। इसको अच्छी तरह से हम मिला लेंगे, तब हम पानी डालेंगे। ये देखिए अच्छी तरह से मिला लिए हैं, तो पानी अब ज़्यादा नहीं लगेगा। इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटा तैयार कर ले रहे हैं। ये आटा हमारा तैयार हो गया है, इसको रख देते हैं सेट होने के लिए। ये हम आलू लिए हैं, आलू हमने पहले से बॉयल करके रखी थी, तो इसको इस तरीके से मीज लेते हैं हम। इधर हम पैन रख दिए हैं, गरम हो रहा है। अब हम सरसों का तेल डाल रहे हैं, आधा चम्मच जीरा ऐड कर रहे हैं तड़का देने के लिए। अब इसमें हम आलू ऐड कर दे रहे हैं जो मीजे हुए हैं। अब इसमें हम कुछ मसाला ऐड करेंगे। हमने लिया है गरम मसाला आधा चम्मच, अमचूर पाउडर आधा चम्मच, हल्का सा दरदरा कुटा हुआ लाल मिर्च, इधर एक चम्मच ले रहे हैं लहसुन, मिर्चा, अदरक कुटा हुआ, स्वाद अनुसार नमक हम मिला दे रहे हैं इसमें। अब हम इसको अच्छी तरीके से भूजेंगे। देखिए हमारा मसाला तैयार है, इसमें हम हरी धनिया ऐड कर दे रहे हैं। ये आलू मसाला हमारा बन गया, तो इसको हम निकाल के रख दे रहे हैं ठंडा होने के लिए। ये आटा हमारा सॉफ्ट हो चुका है, इसको थोड़ा सा इस तरीके से हम और मसल दे रहे हैं ताकि मुलायम हो जाए। ये हम कचौड़ी से हल्की बड़ी लोई लिए हैं। अब हम इसको बेल लेते हैं कचौड़ी जैसे। ये देखिए कचौड़ी जैसे हम सभी बेल ले रहे हैं। अब इसमें हम आलू मसाला जो बनाए हैं उसको रखेंगे। और इसको फोल्ड करके हम कचौड़ी जैसे बना लेंगे। ये देखिए हमारी कचौड़ी जैसे बन के रेडी हो रही है। इधर हम कढ़ाही रख दिए हैं, इसमें ऑयल डाल दिए हैं, गरम हो रहा है।
अब हम कचौड़ी डालेंगे। ऑयल हमको मीडियम गरम रखना है, ज़्यादा तेज नहीं। अब हम इसमें सारी कचौड़ियाँ डाल दिए हैं, देखिए इसको हम पलट दे रहे हैं और लो गैस किए हैं ताकि अच्छी तरीके से पक जाए। ये देखिए हमारी कचौड़ी बनके रेडी हो गई है इस तरीके से। ये और हम बना के रखे हैं, इसी तरीके से हम और बना ले रहे हैं। हमारा तरीका अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। सभी भाई बहनों को नमस्कार और धन्यवाद।